हेलो क्लास इलेवेंथ स्टूडेंट्स, लीनियर इनक्वालिटीज़ के फर्स्ट एक्सरसाइज के एट्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें इस इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है रियल एक्स के लिए, ठीक है। रियल एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है, तो इनक्वालिटी तो बहुत ईजी है। थ्री ब्रैकेट में टू माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू टू ब्रैकेट में वन माइनस एक्स, तो ये जो थ्री है वो टू मल्टीप्लाई होगा सिक्स हो जाएगा, थ्री माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू टू वन में मल्टीप्लाई होगा तो टू हो जाएगा, टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। अब माइनस थ्री एक्स को उधर भेज दीजिए और टू को इस साइड लेके आ जाइए, तो जाएगा सिक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, ठीक है। ये तो इजी है ना करना, समझिए। ये जो माइनस थ्री एक्स है जब उधर जाएगा तो प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, टू जब इधर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, है ना। सिक्स में से टू घटाएंगे तो फोर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एक्स में थ्री एक्स जोड़ेंगे तो एक्स आ जाएगा। ये इनक्वालिटी क्या कह रही है कि जो एक्स होना चाहिए छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए फोर के। इनक्वालिटी क्या कह रही है, एक्स जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए फोर के, यही कह रही है ना ये वाली इनक्वालिटी। एक्स जो है छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए फोर के, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से क्लोज फोर ब्रैकेट में, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे इक्वल का साइन है। फोर से छोटा होना चाहिए मतलब फोर से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक होना चाहिए, और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।